कौन है तू? कौन है? ए, कौन है तू? गॉड, क्या हुआ इसके चेहरे को? तुम में से श्वेता कौन है? तू बता, तू कौन है? मैं जानती हूँ श्वेता यहीं पे है। कौन है श्वेता तुम में से? हाँ, मैं हूँ श्वेता। क्या काम है? हाँ, भाग जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाग यहाँ से, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, समझी? सच में इसकी खोपड़ी सटकी हुई है क्या? तू भाग जा यहाँ से, समझी? चल यहाँ से। श्वेता, अगर तुम नहीं समझी ना तो गई काम से, समझी? अरे यार, मूड लाइट करो, मैं हूं ना, म्यूजिक चलाओ। ये कौन है? हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ बोलो। जरूर, आई प्रॉमिस बाबा। हाँ। एक बार मैंने कह दिया ना तो कह दिया। अरे फिर बार बार एक ही बात की रट क्यों लगा रखी है तुमने? अरे श्वेता कहाँ है? श्वेता अभी तो तुम्हारे साथ डांस कर रही थी। अरे हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। फोन पर बात कर रही थी किसी से। फोन पे? ये तो श्वेता की चीख है। श्वेता! 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 ये तो श्वेता की सैंडल है। ओह माय गॉड! श्वेता! 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 ऐसा लगता है ऊपर से गिरने की वजह से बॉडी कैसी हालत हो गई है। सर, इसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर की हड्डी टूट चुकी है। इस पे खून भी लगा है। ऊपर चल के पूछते हैं, इसका तो नहीं होगा। श्वेता काले जा रहे हैं श्वेता को। सर प्लीज सर, श्वेता को मत ले जाइए सर। रुक जाइए, काले जा रहे हैं सर। हितेश संभालो अपने आप को। सर श्वेता को रोक लीजिए, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा सर। सर प्लीज रोक लीजिए। जो होना था वो हो चुका। सर श्वेता को रोके सर। हितेश, ये इसको पहचानते हो? ये क्या है? ये हमें वहां श्वेता की बॉडी के पास मिला था। श्वेता के पास? नहीं सर, पहले कभी उसके पास ये नहीं देखा। लेकिन संभालो। ये
श्वेता की सैंडल्स यहाँ पे इस तरीके से पड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ हाथापाई या भागा दौड़ी हुई है। देश और उसके दोस्तों ने बताया कि वो फोन पे बात करते करते इस तरफ आई थी, और अगर वो यहाँ पर भागी है तो उसके साथ कोई और भी होगा। वो नहीं होगा जिसने उसकी जान ली है। फोन को तोड़ दिया, इसका मतलब वो खूनी से बचते बचते भागते भागते यहाँ तक आई, और उसके बाद खूनी ने शायद यहाँ से धक्का दे दिया उसको। सर शायद उसने आत्महत्या की हुई। सुसाइड करने वाले ज्यादातर चीखते चिल्लाते नहीं है। श्वेता के चीखने की आवाज तो दोस्तों ने सुनी थी ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन है जिसने श्वेता को यहाँ से धक्का दे दिया। सर सर ये वही औरत हो सकती है जो जो कल रात को आई थी। कौन औरत? सर पता नहीं कहाँ से कल रात को हमारी पार्टी में एक औरत आई थी, और उसका उसका आधा चेहरा जला हुआ था, हम पहचानते नहीं थे उसे, और वो कहने लगी कि भाग जा नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हो उस औरत को? पहले कभी देखा उसे? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा उसे। सर वो श्वेता का नाम जानती थी, लेकिन श्वेता उसको नहीं पहचानती थी सर। और वो फोन आने के तुरंत बाद श्वेता वहां से निकल गई। जी सर। पूर्वी श्वेता की कॉल डिटेल्स निकालो, देखो किसका फोन आया था उसे। सर ये देखिए सर, सर लास्ट के पास से जो टुकड़ा मिला था उस पे बना हुआ ये निशान होटल का लोगो है सर। होटल एक्सीलेंट व्यू। बस वो चमकने वाली चीज जो आप लोगों को श्वेता की लाश के पास से मिली थी, हाँ। उस पर जो खून लगा हुआ था वो श्वेता का ही खून था। तो फिर सड़के वो चीज खूनी की ही है जो श्वेता के साथ हाथापाई में वहां पर गिर गई उसकी लाश के पास। सर श्वेता को जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी पीसीओ का नंबर है। पीसीओ का नंबर? तो बस पता लगा लेंगे ये पीसीओ है कहां पर और किसने फोन किया था, और फिर इस होटल एक्सीलेंट व्यू पर भी जाते हैं। अरे सुनिए। हाँ सब। जरा एक बात बताइए, कल रात 9:10 में आपके यहाँ से किसी ने फोन किया था? अरे साहब अभी सबके पास मोबाइल है, कौन आएगा यहाँ पे फोन करने के लिए? यार कल रात को किसी ने फोन किया था क्या 9:10 पे? ऐसा क्यों पूछ रहे, कुछ हुआ है क्या? जो पूछा उसका जवाब दो। सर बताता हूँ, लेकिन आप लोग कौन, पुलिस वाले हो क्या? CID। सर बताता हूँ लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा याद कर लो क्या? जल्दी सोचो और बताओ। हाँ साहब याद आया, कल करीब 9 अपने मोहल्ले के कमलेश जी है ना, वो आए थे अपने बीबी को फोन करने बरेली में, उनकी बीबी वहां पढ़ाती है ना। कमलेश जी के पास मोबाइल फोन नहीं है क्या? मैंने भी यही पूछा उनको, वो बोले वो ऑफिस से आते समय उनका मोबाइल कहीं खो गया। ये बताओ 9:10 पे कल रात किसने फोन किया था यहाँ से, बताओ जल्दी। अरे हाँ साहब वही तो बताने जा रहा हूँ, जब कमलेश जी फोन के ऊपर बात कर रहे थे ना तभी एक लड़की स्कूटी से यहाँ पे आई, मैंने पूछा क्या चाहिए तो बोली मुझे फोन करना है। फिर मैंने भी उसे वही बात पूछी साहब वाली कि भाई तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? तो उसने क्या कहा, उसके पास भी मोबाइल नहीं है? वो बोली मेरे मोबाइल की बैटरी कुछ खत्म हो गई है। फिर क्या हुआ बताओ? फिर क्या साहब, जैसे कमलेश जी ने फोन रखा वो फोन के ऊपर झपट गई और बातें करने लगी। हाँ लेकिन सब परेशान सी लग रही थी वो लड़की। वो क्या बातें कर रही थी, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, मैं तो फिर कमलेश जी से बातें करने लगा, और वैसे भी किसी लड़की की बातें सुनना ठीक तो नहीं है ना साहब। मतलब तुम उस लड़की को नहीं पहचानते? नहीं नहीं साहब, कितने जन आते किसको किसको पहचानेंगे। शक्ल याद है उसकी? हाँ साहब करीब करीब। स्केच बनवा लो इसे। यस सर।
आप जरा अपने मैनेजर को बुलाइए, उनको बोलिए सीआईडी आइए। जी बुलाती हूँ। सर सीआईडी वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। सर वो आ रहे हैं, आप तब तक बैठिए। आप कुछ लेना चाहेंगे, ठंडा गरम? गरम क्या है? नहीं नहीं वो हम लोग ड्यूटी के वक्त कुछ नहीं लेते हैं। ओके सर। बहुत भूख लगी है, सुबह नाश्ता नहीं किया था हा? जी सर बताइए क्या बात है। पंकज अब जरा ये देखिए, ये लोगो आपके होटल का ही है ना? जी सर ये तो हमारे रूम की हर की रिंग्स पर होता है, पर सर ये तो टूटा हुआ है, आपको कहां से मिला? लाश के पास से। लाश के पास से? जी हाँ, कल रात हमें एक लड़की की लाश मिली, उसके बॉडी के पास ये पड़ा हुआ था। जी सर पर हमारे तो सारे कस्टमर मौजूद हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। हो सकता है खूनी कोई आपका कस्टमर हो। सर क्या बात कर रहे हैं आप, अपने होटल की सारी चाबियां दिखाई हमें। बस इतनी चाबियां? जी बाकी चाबी तो सर कस्टमर के पास है रूम में। ठीक है हम कस्टमर की भी चाबी चेक करेंगे। सर कस्टमर्स को बुरा लग सकता है। वो मैनेज करेंगे, आप दिखाइए। आइए सर। सब रूम की चाबी चेक कर लो, तुम लोग इधर देखो। वंश हेलो, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे आपकी चाबी देखनी। ये सीआईडी वाले हमारा होटल बंद करवा के रहेंगे, गेस्ट भाग जाएंगे सब रूम छोड़कर, और होटल की बदनामी होगी वो अलग। सर कुछ नहीं होगा, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो डरना किस बात का। मैडम मैं आपके रूम की चाबी देख सकती हूँ? लेकिन आप कौन? हम लोग सीआईडी। ओ सीआईडी। जी मैम। एक्सक्यूज मी। यस माय डियर। वो चाबी आपके कमरे की चाबी चाहिए हमें। ओहो रूम की चाबी चाहिए, वेरी गुड। क्या करेंगे चाबी का, मुझे भी तो बताइए। देखिए मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ और यहाँ एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ओह माय गॉड, मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है, कहीं वो खूनी मुझे तो नहीं मार देगा। नहीं 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 आप घबराइए नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे। कितने अच्छे हैं आप, सारा डर दूर हो गया। चाबी प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए चाबी। चाबी। अरे ना बाय ना थैंक यू, चला गया। कौन है बे? जब देखो तब दरवाजा लॉक करते रहते हैं, क्या हुआ? अरे पीजी अभी बाद में आ जाओ, नहीं खोलूंगा अभी। तेरी बिजी की तो लगता है ऐसे नहीं मानेगा। क्या क्या ये सीआईडी सर? हाँ सर। क्या चाहिए सर आपको? तुम्हारे रूम की चाबी चाहिए। चाबी? चाबी नहीं दूंगा सर। नहीं सर। क्यों नहीं देगा चाबी? नहीं सर। सर खोलिए, खोलिए इसको। चाबी तो बराबर है, फिर जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा हमारा। थैंक यू। थैंक यू। श्योर सर। सर सारे कमरे चेक कर लिए, सबकी चाबी ठीक है सर? हाँ सर सबकी चाबी ठीक है। सर मैंने भी चार रूम चेक किए, सबकी चाबियां ठीक ठाक है। सारे रूम की चाबियां ठीक ठाक है तो फिर वो टूटा हुआ टुकड़ा किस चाबी का है? ये स्केच ध्यान से देखिए, इसी लड़की ने कल श्वेता को फोन किया था। सर हम इसे नहीं जानते। जानते हो इसे?
ये कौन है सर? यही तो हम आपसे जानना चाहते। सर इसे कभी देखा तो नहीं, क्यों ही तेज़? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसे। तुम जानते हो इसे? कौन है ये? सर ये अनु है। अनु? कौन अनु? सर मेरे और श्वेता के साथ ये एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। हायर स्टडीज के लिए बाहर चली गई और फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वापिस आई और इसने हमें बताया तक नहीं। कुछ अनबन तो नहीं थी श्वेता और अनु के बीच? अरे नहीं सर, बल्कि ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो फिर है ना बड़ी अजीब बात, इतने दिनों में अनु ने कभी श्वेता को फोन तक नहीं किया, लेकिन कल रात अचानक अनु श्वेता को फोन करती है और वो भी किसी पीसीओ से। कहां रहती है ये अनु? सर अनु पहले जहां रहती थी वो एड्रेस तो मेरे को मालूम है। तो ठीक है, हमारे लिए तो पहला एड्रेस भी ठीक है। मैं साहब कल रात 9 से 10 बजे के बीच कौन कौन गया था होटल से बाहर? सर ये तो बताना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल है? है? जो भी आदमी गया होगा उसने रिसेप्शन पे चाबी दी होगी। चाबी नहीं भी दी होगी तो यहीं से गया होगा ना, रिसेप्शनिस्ट ने देखा होगा। सर एक्चुअली बात यह है कि होटल के 10 साल पूरे होने की खुशी में कल हमने एक पार्टी रखी थी तो स्टाफ और बाकी सब लोग वहीं मौजूद थे, तो ये भी नहीं बता पाएगी। कहाँ हुई थी आपकी ये पार्टी? जी होटल के लॉन में। एक मिनट, ये जो सीसीटीवी कैमरा है ना इसकी फुटेज दिखाइए कल रात की। जी सर। बिमी। यस सर। फुटेज निकालो। ओके सर, ये देखिए 9 से 10 बजे की फुटेज। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करना, पॉज, ज़ूम करो जरा। सर इसका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। शायद आ गया बड़ा बड़ा। कमाल है, होटल से बाहर जाते वक्त भी चेहरा ढका हुआ था, आते वक्त फिर ढक लिया। है कौन ये औरत? सर चेहरा ढका हुआ है पहचानना मुश्किल है। मैनेजर साहब आपकी लाइफ में परेशानी कुछ ज्यादा ही है। कल रात में यहाँ पे जो वॉचमैन था उसको बुलाइए। जी साहब। दे इधर देखो, कौन ये औरत पहचानते हो? साहब इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे ही होटल में ठहरी हुई है। हाँ साहब इसका चेहरा जला हुआ है। सर चले हुए चेहरे से याद आया, ये निशा जी हैं, हमारे यहाँ 102 में ठहरी हैं। सर पता नहीं कहाँ से कल रात को हमारी पार्टी में एक औरत आई थी और उसका उसका आधा चेहरा जला हुआ था, हम पहचानते नहीं थे उसे। श्वेता को इसी ने वार्न किया था 102। सर हितेश ने जो एड्रेस दिया था उसके मुताबिक तो अनु का घर यही है, बहुत समय पहले रहती थी लेकिन अब पता नहीं रहती है कि नहीं, देखते हैं। अनु, अनु दरवाजा खोलो जल्दी, देखो हमें पता तुम अंदर हो। अनु दरवाजा खोलो जल्दी। सर अंदर कोई है, सामान गिरने की आवाज आई। हाँ फ्रेडी सबने सुना। अनु अनु दरवाजा खोलो, देखो वरना और भी रास्ते हमारे पास अंदर आने के, मैं 3 तक गिनूंगा, 1, 2, 3। अनु क्यों दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने पहले? हाँ अब बताओ, इतने सालों बाद कल रात तुमने श्वेता को फोन क्यों किया? अनु चुप क्यों खड़ी हो?
बोलती क्यों नहीं? अनु सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। उसने मुझे हाँ क्या अनु सर क्या हो गया? क्या हो गया अनु? क्या हो गया इसे? अनु अनु क्या हो गया? अनु क्या हो रहा है सर? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अनु इसमें से सब खून निकल रहा है सर। हाँ अनु 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 सर ये तो मर गई। सचिन फ्रेडी घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। 102 आप यहीं रुके। निशा निशा दरवाजा खोलो निशा। सर लगता है ऐसे भनक पड़ गई, दरवाजा बंद कर दिया। ये बाहर तो नहीं गई सर? जाते हुए तो नहीं देखा। निशा एक मिनट पूर्वे। वंश किसी को अंदर आने मत देना सर। देखा सीआईडी वालों के पास सब जुगाड़ रहता है। अच्छा जी कमरे में कोई नहीं है, सामान भी नहीं है सर। कुछ गड़बड़ है सर। तुम जरा सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो बाहर जाते वक्त दिखती है क्या। ये मैनेजर और स्टाफ को बुलाओ जरा। मैनेजर साहब और आइए सर। क्या मैनेजर साहब आप तो कह रहे थे कि ये बाहर नहीं गई है, कमरे में तो है नहीं, कहाँ गई वो? सर अब मैं क्या कहूँ आपसे, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बड़ी ही अजीब औरत थी सर वो, किसी स्टाफ को अपने रूम में आने ही नहीं देती थी, बड़ी अजीब नजरों से घूरती थी सर, उसे देखकर बहुत डर लगता था। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, सर उसके हाथ में एक लाल बैग टांगा रहता था जिसे वो हमेशा छुपाए रहती थी। क्या रखती क्या थी वो उस बैग में तुम्हें पता है? नहीं मैम, लेकिन उस बैग को वो कुछ इस तरह छिपाती थी जैसे उसमें उसका कोई कीमती खजाना छिपा हो। सर सर वो तो होटल से भागे सर, और खाली हाथ भागे सर। खाली हाथ? इसका मतलब वो लाल बैग अभी होटल में ही होना चाहिए। ढूंढो वो बैग। सालुंखे अनु की मौत की वजह का पता चल गया? दो मिनट जा वही पता लगा रहा। जयंती सर खाने में क्या पसंद है तुम्हें? अरे ये क्या मजाक है सालुंखे? क्यों मैंने तुझे पूछा अनु की मौत की वजह क्या है और तू जयंती को पूछ रहा है कौन सा खाना पसंद है? हाँ पूछ रहा हूँ क्योंकि अनु की मौत का खाने से संबंध है। क्या मतलब? मतलब ये बॉस कि अनु के खाने में जहर था। जहर? हाँ उसने कुछ थाई फूड खाया था उसमें जहर था। लेकिन सालुंखे साहब हमने अनु की घर की तलाशी ली थी, कोई थाई फूड नहीं मिला था हमें। फ्रेडी थाई फूड नहीं मिला तो क्या हुआ, शायद अनु किसी थाई रेस्टोरेंट में गई होगी। पता लगाना पड़ेगा आसपास जितने भी थाई रेस्टोरेंट से पूछताछ करते हैं। अब क्या हो गया सर? हमारी थोड़ी जांच चल रही है, माफ कीजिए आपको परेशानी होगी। वैसे सर आप लोगों को कौन रोक सकता है? ये बैग किसका है, आपका है? जी ये जी सर ये भी हमारा ही बैग है। देखो नीचे देखो जरा। हाँ सर।
ये देखिए आपका बैग है। नहीं सर, ये हमारा बैग नहीं है। लाल रंग का थैला है, ये निशा का ही होगा। वंश बैग चेक कर लो जरा। सर निशा, कौन निशा सर? आप बताइए, निशा का बैग आपके कमरे में क्या कर रहा है? कहाँ है निशा? सर कौन निशा सर, मैं किसी निशा विशा को नहीं जानता सर, और मुझे नहीं पता सर ये बैग यहाँ पर कैसे आया। अभी पता चल जाएगा। सर बैग में सिर्फ मेकअप का सामान है। मैनेजर साहब। यस सर। ये कमरों में सामान कौन रखता है? सर रुपेश, रुपेश रखता है सर। कौन है रुपेश, कहाँ है? अभी तो सर यही था, पता नहीं कहाँ गया। फोन लगा उसको, फोन है उसके पास? जी सर। सर निशा का कोई सामान नहीं? नहीं, सामान मिल गया, ये इन लोगों के कमरे में था। सर स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ है तो फिर कान पे क्यों पकड़ के रखा है, नीचे करो। सॉरी सर, वो सुबह से होटल में इतना कुछ हो रहा है सर कि दिमाग कंफ्यूज हो गया। ये रुपेश यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसको। मैंने सुन लिया था कि आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। निशा का सामान दूसरे कमरे में रख दिया, चुप के बैठे यहाँ पे। उनके हस्बैंड ने ही कहा था कि वो निशा जी के साथ थोड़ा सा मजाक करना चाहते हैं। हस्बैंड ने बोला था? है? वो तो अकेली रहती थी ना यहाँ पे। निशा जी के बाजू वाला रूम उनके हस्बैंड का था, उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा सा मजाक करना चाहते। बट सर वो तो कब का चेकआउट कर चुका है। सर दोनों को देख कर कभी लगा नहीं कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। एक काम करो, मुझे दोनों की डिटेल चाहिए अभी। यस सर। महेश 102 और 104 की डिटेल लेकर आओ जल्दी। जी सर। कोई भी बोलेगा मैं पति हूं तो मैं मान लोगे? हैं दूसरे का सामान दूसरे के कमरे में, तुझसे तो निपटता हूं मैं। अब ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। सर ये लीजिए उसकी डिटेल। मीत और निशा दोनों के रूम अलग, दोनों अलग अलग आते हैं, अलग अलग कमरे में ठहरते हैं। सर आप लोग जब ही आए तभी वो टैक्सी में बैठ के निकले। ओ, इनके नंबर से ट्रेस करो इनको, कहाँ पे आई है। पता नहीं इस रेस्टोरेंट में भी कोई अनु को पहचानता होगा या नहीं, ना जाने कौन से रेस्टोरेंट में गई थी वो। फ्रेडी हमको थाए रेस्टोरेंट चेक करने हैं, समझे? अब ये रेस्टोरेंट चेक करते हैं, बाकी के बाद में चेक करते हैं। इस लड़की को देखा है तुमने? आज आई थी और अक्सर आती रहती है, लेकिन बात क्या है सर? मर गई है ही। आपके होटल का खाना खा के। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सचिन होटल बंद करवा। अरे 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 कौन है, कौन है आप लोग? हम लोग CID से। और हाँ आप लोग प्लीज यहाँ का खाना मत खाई, यहाँ का खाना खाने से अभी अभी एक लड़की की मौत हुई है। सर तू यार निकलता है या मैं मेहनत करूँ? सर प्लीज मेरी बात सुनो, आप मुझे कोई भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। क्या बोलना है बोलो। सर हम ऐसा क्यों करेंगे? अनु मैडम हमारी रेगुलर कस्टमर है, हमारे अच्छे खासे रेस्टोरेंट का नाम क्यों खराब करूंगा? साहब अगर आपकी परमिशन हो तो आपसे कुछ बात कहूं। साहब अनु जी हमेशा हमारे रेस्टोरेंट में अकेले आया करती थी, पर आज एक औरत के साथ आई थी। अनु जी ने तो खाना खाया साहब, पर औरत ने कुछ नहीं खाया साहब। मुझे बहुत अजीब लगा, वो औरत आई तो थी अनु जी के साथ, पर अनु जी जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली और खाना शुरू किया वो औरत बिना खाए चली गई। तुम जानते हो उसे? नहीं सर, आज उसे पहली बार अनु मैडम के साथ देखा था। तुम्हारे रेस्टोरेंट का CCTV फुटेज तो होगा ना, उससे पता चल जाए। सर कैमरा खराब चल रहा है, रिपेयरमैन को बुलाया ठीक करने के। चलो ठीक है। अच्छा लड़की गई कैसे यहाँ से, किसी टैक्सी में गई या खुद की गाड़ी थी? सर वो यहाँ से कैब में बैठकर गई। कैब में? हाँ सर रेड कैब में। रेड कैब, पता लगा लेंगे रेड कैब के ऑफिस से कौन ड्राइवर था और कहां पर छोड़ा था उस लड़की को। माफ कीजिए हम लोगों ने आपको तकलीफ दी, कभी कभी क्या है कि सच उगलवाने के लिए हमें ऐसा सब करना पड़ता है, लेकिन वाकई यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आप खुशी से खाना खा लीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर लंच, बाय बाय। गलत एड्रेस लिखवाया था मीत और निशा ने, उस एड्रेस पे तो कोई और ही रह रहा है। उस एड्रेस के सारे गलत प्रूफ बनाए हुए थे उन लोगों ने सर।
चलो ये तो पक्का हो गया कि इन्हीं लोगों का हाथ है श्वेता के खून में। सर अभी भी मीत के सेलफोन कंपनी से फोन के एरिया का सर्वर नहीं मिल रहा है, इसलिए फोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। सर मीत के फोन की रिंग तो जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा। चोर की दाढ़ी में तिनका, फोन कहां से उठाएगा? सर सर आ गया नेटवर्क। कहां पे है फोन? सर मीत का फोन मुंबई से बाहर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। सर लगता भागने की फिराक में। भाग के कहां जाएगा, कितनी दूरी पे हमसे? सर 50 किलोमीटर। सर वो एक जगह जाके रुक गया। पंकज गाड़ी भगाओ। सर सर उस रेड कैब के ड्राइवर ने कहा था कि शांति नगर के चौराहे पे ही छोड़ा था, लगता ये है चौराहा। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। सर ये तो समुंदर में मोती ढूंढने जैसा मुश्किल काम है, ना नाम ना पता ना फोटो, कैसे कोई कुछ बताएगा? पता लगा लेंगे फ्रेडी, पता लगा लेंगे। लेकिन सर कैसे ढूंढेंगे उसे? जयवंती उस कैब वाले ने हमें उस लड़की का हुलिया बताया, बस वही हुलिया हर घर में जाकर बता देंगे, पूछताछ करेंगे, पता चल जाएगा। चलो फैल जा और पूछताछ शुरू करो। थैंक यू। हम क्या कर सकते, वो कैब वाला अभी तो लड़की की स्केच नहीं बनवा पाया। बोल चेहरा, लंबे बाल, क्या आपने देखा है इस लड़की को या कुछ जानते हैं इस लड़की के बारे में? क्या वो कुछ पता चला? नहीं सर। देखकर बच गया ये वाला, बहुत दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई लेकिन तू खोल नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम खोलते हैं। देखो जरा कोई है क्या। सर हाँ? लगता है घर में कोई नहीं है। ऊपर से आवाज आ रही है। धमकी दी थी ना श्वेता को? क्यों? Yes sir। तुम्हीं ने धक्का दिया था ना श्वेता को खाई में? नहीं सर, मैंने नहीं धक्का दिया था। नहीं कैसे? तुम्हीं ने धक्का दिया था श्वेता को, बता, धक्का दिया था ना? सर, मैं नहीं थी। उस मोती सर, उसने दिया था धक्का, वहाँ वही थी। तो ये है वो। सर सर मोबाइल का लोकेशन यहीं पर, यहीं कहीं छुप के बैठा होगा, ढूंढो से। कौन हो तुम? आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो तुम्हें जानता तक नहीं, छोड़ दो मुझे। गिड़गिड़ाओ और गिड़गिड़ाओ, बहुत सुकून मिला है मुझे तुम्हारी इस पेचारगी पर। पर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मुझ पर रहम करो,
छोड़ छोड़ दो मुझे। मौत कभी रहम की भीख नहीं देती, उसे जिंदगी चाहिए। मार दो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं गोली 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 में चलाना। देख क्या होता है। चलो इसको लेकर चलो जल्दी। कहां भाग रहे हो उम्मीद? जान पे बनाई तो तुम दबा के भाग रहे हो? अपने इस इंस्पेक्टर की जान प्यारी है तो छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़। निशा भाभी तुम? हाँ, तुम्हारी निशा भाभी जिंदा है। बांध के रखा था इसे मारने के लिए। श्वेता और अनु को, हितेश और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए मैं अपने घर से भाग गई। श्वेता और अनु ने कहा था मेरी मदद करने के लिए लेकिन श्वेता और अनु तुम दोनों के भरोसे मैं यहाँ पे आई हूँ। भरोसा किया है ना, तो टेंशन मत ले तू, ठीक है? ये क्या हुआ? शायद पीछे वाले टायर्स के बॉल्ट लूज हो गए हैं। ओह, चल देखते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें यहाँ हितेश के साथ शादी कराने ले आए हैं और होने वाली दुल्हन ज्यादा काम नहीं करती है। अनु है ना, अनु चलेगी मेरे साथ। चल अनु, बहुत आराम कर लिया, जा जाके टूल्स निकाल ले। ये गाड़ी है क्या खटारा, जब देखो खराब होती रहती है। चुपचाप चलो बाहर, तुम यही वेट करो रीमा, हम लोग आ रहे हैं। ओके जल्दी आना। और श्वेता ने इस हितेश से शादी कर ली और इस बेवफा ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैंने रीमा को खाई में गिरते हुए देख लिया था और उसके बाद मैंने नीत को फोन कर दिया। फिर मैं खुद खाई में चली गई रीमा को बचाने के लिए, पर तभी कार में ब्लास्ट हुआ और मैं जल गई। मैं तो जल गई पर मैंने रीमा को बचा लिया। जिसने तुम्हें बचाया उसको ही बांध के रखा था तुमने? क्योंकि ये मेरे बदले की राह में रोड़ा बन रही थी। इसने श्वेता को भी सावधान करने की कोशिश की। ये नहीं चाहती थी कि
मैं अपना बदला ले सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि दोनों भाई बहन कोई जुर्म करे और हमारा घर बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की, पर मीत की जिद के आगे मैं मजबूर थी। कमाल है, बहन ने श्वेता और अनु दोनों को जान से मार दिया, भाभी को बांध के रखा और भाई हितेश को जान से मारने की प्लानिंग बना ली थी। इसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई, मेरी बीवी का चेहरा जल गया, इसने हमारा हाल तक पूछने की जरूरत नहीं समझी, श्वेता से शादी कर ली। कैसे सहन कर लेता है मैं। बहुत कहानियां है तुम भाई बहनों के पास, दो दो खून कर दिए, एक खून और करने चले थे, अपनी अधूरी कहानी अब जेल में पूरी करना फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।